अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं फिंगर रोल पराठा बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बना है। आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। यह मैंने बोनलेस ले लिया था चिकन, अच्छे से साफ कर लिया। अब मैं इसको लंबे लंबे पीसेस काट रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पीसेस करके काट रही हूँ। इसको मैरिनेट करूँगी। आप चिकन को अच्छे से धो लीजिएगा, इसको खुश करके इसको जूलियन कट काट लीजिएगा। मैं इस तरीके से काट रही हूँ, आप देखते जाए, आपके सामने काट रही हूँ। ये आप इसको बनाइएगा हमारे तरीके से, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इंशाल्लाह ज़रूर। ये देखिए तकरीबन हमारा कटने वाला है, तमाम चीज़ को काट लिया। अब इसमें मसाले मैं डालूँगी। आधी चमची मैंने जिंजर अदरक पाउडर डाला है, आधी चमची मैंने लहसुन का पाउडर डाला है, ठीक है। अब ये इनको इसमें, मैं आपके पास पाउडर ना हो तो आप पेस्ट डाल सकते हैं। अब मैं नमक डाल रही हूँ आधी चमची, आप अपने हिसाब से डालिएगा हर चीज़, नमक वगैरह। मसाले भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्ची मैंने एक चमची डाली भर के, मैं काली मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है आधी चमची, ठीक है। और ये मैं चिली सॉस डाल रही हूँ एक चम्मच, एक चम्मच मैं सिरका डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी एक चम्मच। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको ढक के मैं एक घंटे के लिए रख दूँगी। आप अपने हिसाब से जितने भी रख सकते हैं, दो घंटा तीन घंटा फ्रीज में रख दीजिएगा। मैं बाहर ही रख रही हूँ, एक घंटा रख दिया था, ठीक है। मैंने दो कप भर के दो प्याली मैदा लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच शक्कर डाली है और आधी चमची नमक डाली है, ठीक है। और दो चम्मच मैं ऑयल डालूँगी, मैं इसका पराठा बनाऊँगी। ये देखिए दो चम्मच डाले। अब इसको नॉर्मल पानी से गूँध लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको गूँध लूँगी, मैं गूंज रही हूँ पराठा। तो घर में जैसे बनाते हैं आम तरीके से बनता है, मैं इसमें सोडा वगैरह यूज़ नहीं कर रही। ये देखिए बना रही हूँ। अब ये नॉर्मल पानी से मैं इसको गूंज लूँगी अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, इकट्ठे पानी नहीं डालना। ये मैं डाल रही हूँ, देखिए जब गूंज जाएगा अच्छे से फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखिए गूंज गया, इसमें हल्का सा तेल डाल के एक चम्मच इसको मैं रख दूँगी ढक के। मैं रख दूँ, अब मैं चिकन जो मैरिनेट करके रखा था अब मैं इसमें मैदे में कोट करूँगी। मैदे में मैं नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च डाल रही हूँ, आधी आधी चमची डालिएगा ज़्यादा नहीं, और कुटी हुई मिर्ची थोड़ी सी डाल रही हूँ। इनको मिक्स कर लूँगी। फिर मैं ये जो चिकन रखा हुआ था, एक मैंने एक घंटे तक रखे थे, आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे अच्छा है। अब इसमें मैदे में कोट करूँगी और मैंने यक ठंडा पानी लिया हुआ एक साइड, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उस तरीके से आप देखते जाए। चारों तरफ से अच्छे से करके हाथ से हल्के हाथों से दबाना, ज़्यादा तेज़ ज़ोर से नहीं। ये देखिए फिर मैं पानी मिर्च को डीप करूँगी, फिर इस पर मैं फिर मैदा लगाऊँगी, पानी को अच्छे से झाड़ लूँगी। फिर ये देखिए मैदा कोट करूँगी हल्के हल्के हाथों से करके, फिर इसको मैदे को झाड़ लूँगी। झाड़ने से फिर ये क्रम्स बन जाएगा, ये देखिए क्रम्स बन जाए, माशाल्लाह से कितना अच्छा बना। देखिए इस तरीके से सब बनाते जाए। एक दो और मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके आसानी के लिए देख लें। ये देखिए ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना चिकन पीसेस अलग हो जाएंगे। ये देखिए फिर इसको हल्के हल्के हाथों से दबाना है, फिर इसको मैदा को जो मैदे को डस्ट करके फिर ये क्रम्स बन जाता है। इस तरीके से मैं करके सब रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से करना है, ये कितना अच्छा बना है। अब मैं ये इसको फ्राई करूँगी, बहुत तेज़ हॉट ऑयल नहीं है, हल्का सा है, लाइट,
और इसको धीमे धीमे आँच पे आप फ्राई कर लें। इसमें तो ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पीसेस हैं, बड़े पीसेस को ज़्यादा होता है। वो अब हमारा फ्राई हो रहा है, मैं इधर पेरे बना रही हूँ पराठा के, अच्छे से फिर मैं इसको सब गूंद रही हूँ हाथों से इस तरीके से ताकि उसमें लचक आ जाए आटा। देखिए फिर मैं इसके पेरे बना लूँगी। तकरीबन 6 पीस पेरे बन जाएंगे नॉर्मल साइज़ के पराठे। देखिए बन गए। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। ये देखिए बना दें, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं। मैं अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं आपको सॉस बनाने भी बताऊँगी, इसकी भी सॉस होते हैं। ये देखिए मैंने घी इस पर लगा दिया, घी ना हो तो आप ऑयल कर लें, ऊपर से मैदा डस्ट कर लें, फिर इसको दरमियान से हल्का सा कट करके फिर यूँ फोल्ड कर लें, पेड़ा बन जाएगा। इस तरीके से आप सब बना बना के रख लें या एक एक करके बनाते जा, आप अपने हिसाब से जैसा आपको सहूलत हो। इस तरीके से फोल्ड करके ये नीचे डाल दें ऐसे करके, ये आपके बन जाएंगे। ये आपको बना के दिखा रही हूँ, ये मैंने बेल लिया। अब मैं इसको फ्राई पैन पे डाल के कम ऑयल में, हल्का लाइट ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। अब ये मैं सॉस बना रही हूँ, घर की मायनीज बनी हुई मेरी, ये मैं एक बॉल में मायनीज डाला है तकरीबन 5 चम्मच डाले हैं। अब 2 चम्मच मैं केचप डालूँगी इसमें, ज़्यादा केचप नहीं, कम क्वांटिटी कम हो केचप, मायनीज की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। ये मैंने डाल दिए, इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी तकरीबन चुटकी भर, आधी आधी चम्मच से भी कम ये काली मिर्ची डाली है, और सफ़ेद दखनी मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी। देखिए ये दखनी मिर्च है, और थोड़ी सी नमक होगी, कुटी हुई मिर्ची थोड़ी सी डाली है। ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है, इन तमाम को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं आधी चम्मची या 1 चम्मची आप मैं ब्राउन शुगर डाला, आप अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा मिठास बना जाता है। आपके पास ब्राउन शुगर ना हो आप शहद डाल लें, शहद ना हो तो शुगर डालना, ठीक है ना। मैं ब्राउन शुगर डाल दूँ, इन सबको डाल के ये बहुत ही मज़े का सॉस बन जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब मैं ये इसमें आपको बताऊँगी किस तरीके से डालते हैं। देखिए ये पहले पराठा रखूँगी, ये देखिए हमारे तमाम पराठे बन गए, और ये नीचे मैंने पेपर रखा हुआ है। अब ये पराठे रखूँगी, इसके ऊपर सॉस डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालें। बहुत से लोग सैलेड वगैरह भी डालते हैं, खीरे खीरा है, टमाटर है, प्याज है, इस तरीके से, तो इसमें कोई वो नहीं। देखिए मैं खीरा वगैरह नहीं डाल रही, मैं ये चिकन डाला है, इसके ऊपर मैं फ्रेंच फ्राइज मैंने आलू की चीज़ बनाए थे ये रखूँगी। ये बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। आप खाइए, बनाइएगा, ज़रूर हमें बताइएगा। ये देखिए इसके ऊपर मैं फिर सॉस डालूँगी, इस तरीके से डाल के फिर मैं इसको रैप कर लूँगी शीट पे। बहुत ही मज़े का, देखने में जैसे आपको अच्छा लग रहा है, इस तरीके से खाने में तो और ही मज़े का बना था। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, आप मेहमान आए शाम में खाने के तौर पे बना लें, स्नैक के तौर पे शाम में नाश्ते में दे दें। देखिए कितना माशाल्लाह मज़े का बना है, बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही डिलीशियस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह, हमारे यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं बच्चे वगैरह, सब शौक से खाते हैं। ये माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कैसा बना। नए देखने वाले लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।